गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम इंडिया की साइज और लोकेशन के बारे में जानेंगे। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैक्टरल सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पिछले 5 दशकों से इसने सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को हासिल किया है। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया इस तरह से आगे बढ़ता गया है कि इसके अंदर खेतीबाड़ी, उद्योग, टेक्नोलॉजी, सब तरह की आर्थिक विकास हुआ है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी इंडिया ने वर्ल्ड की हिस्ट्री को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। लोकेशन। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी ऊपर के उत्तरी गोलार्ध में बटी हुई है। आप जानते हैं जब हम पृथ्वी को बांटते हैं तो उसके दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8° 4' नॉर्थ एंड 37° 6' नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68° 7' ईस्ट एंड 97° 25' ईस्ट। इसका अर्थ यह है कि इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्थ में 8° 4' से 37° 6' तक फैली हुई है और लॉन्गिट्यूडनल 68° 7' से 97° 25' ईस्ट तक फैली हुई है। इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगी। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23° 30' नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इंटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है। इसकी अपोजिट रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है जो दक्षिणी गोलार्ध में यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में खींची जाती है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। इंडिया के दोनों तरफ अरेबियन सी और अंडमान निकोबार है। अगर हम देखते हैं अपने साउदर्न ईस्ट पार्ट को तो उसमें अंडमान निकोबार फैला हुआ है और अगर हम साउदर्न वेस्ट पार्ट को देखते हैं तो उसमें लक्षद्वीप फैला हुआ है जो कि बे ऑफ बंगाल में स्थित है। इसको आपको मैं चित्र के माध्यम से अभी समझाऊंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। आप देख सकते हैं ऊपर ये नॉर्थ पोल है यानी ऊपर की साइड पृथ्वी में हमारा नॉर्थ पोल होता है और नीचे की साइड हमारा साउथ पोल होता है। ये जो आपको रेखा दी गई है 23.5° नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे 23.5° साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो आपको इन दोनों रेखाओं को समझना है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में है। हमारे चैप्टर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में नहीं बताया जाएगा लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। बीच में एक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ये 0° लैटिट्यूड पर स्थित होती है, ठीक है। इस पूरे पार्ट को जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं जबकि नीचे वाले पूरे पार्ट को हम साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरे इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है और वो 8 स्टेट्स से गुजरती है। उन 8 स्टेट्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।